गुजरात देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 पार कर गई है। कुल गुजरात में 239 नए मरीज सामने आए। गुजरात में 2000 पहुंचा कोरोना केस। गुजरात में सामने आए 239 मरीज। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार कर गई है। मंगलवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में गुजरात में कोरोना संक्रमण के 239 नए मामले सामने आए। इससे गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2178 हो गई। 24 घंटे में संक्रमण से 19 और लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 90 हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद का बढ़ना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन और हॉटस्पॉट चिन्हित करने जैसे उपायों से सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम में लगी हुई है, लेकिन मरीजों के बढ़ते आंकड़े अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। अगर गुजरात के कोरोना प्रभावित अहम इलाकों की बात करें तो अहमदाबाद इसमें सबसे आगे है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 1378 केस आ चुके हैं। 347 मामलों के साथ सूरत दूसरे नंबर पर है, जबकि 194 संक्रमण मामलों के साथ वडोदरा तीसरे नंबर पर है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 130 नए मरीज सामने आए हैं। सूरत में 78 और वडोदरा में 6 नए संक्रमित जुड़े हैं। जाहिर है महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात कोरोना को लेकर सबसे संवेदनशील सूबा बन चुका है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोपी घांगर की रिपोर्ट आपने देखी। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, लगातार हम आंकड़े तो दिखाई रहे हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि गुजरात में किस स्तर पर इस वक्त टेस्टिंग की जा रही है, रैपिड टेस्टिंग किट्स का कहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त क्या ताजा परिस्थिति है वहां गुजरात में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि पिछले 24 घंटे के अंदर 19 लोगों की मौत के साथ गुजरात में 90 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। अगर रैपिड टेस्टिंग की बात की जाए तो रैपिड टेस्टिंग को कल जब सूरत में इससे टेस्टिंग हो रहा था तो आंकड़े कुछ नतीजे अलग आ रहे थे। उसके बाद रैपिड टेस्टिंग पर फिलहाल के लिए गुजरात में रोक लगा दी गई है। जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसी तरीके से अब गुजरात में कोविड का टेस्टिंग होगा, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें कोरोना होने के बावजूद उसमें नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा था रैपिड टेस्टिंग में। अगर गुजरात की बात की जाए तो 13 अप्रैल को गुजरात के अंदर 1000 पे आंकड़ा पहुंचा था कोरोना का, जबकि 19 अप्रैल महज 5 दिन के अंदर ही कोरोना का 2000 को आंकड़ा पार कर गया है। तो 5 दिन के अंदर लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि वो हर रोज 3,335 से ज्यादा टेस्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि अहमदाबाद जो है, पुराना अहमदाबाद, वो पूरी तरीके से हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पे लगातार टेस्टिंग जो है वो जारी है और सिर्फ अहमदाबाद में ही, क्योंकि ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है, सिर्फ अहमदाबाद के अंदर ही 1300 जितने मामले सामने आए हैं। हो सकता है आज सुबह 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हेल्थ सेक्रेटरी की, उस वक्त ये आंकड़ा 1400 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिंता है वो यही है कि मौत का जो सिलसिला है वो गुजरात में थमने का नाम नहीं ले रहा है। 19 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है, 90 लोगों की मौत हो चुकी है।